हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, आज हमारा चैप्टर है चैप्टर 3। इसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन स्टोरी टेलर का मतलब है कि जो आपको इस कहानियाँ सुनाता है, ठीक है। वो कहानियाँ कैसी भी हो सकती है, सच हो सकती है या हमारी इमेजिनेटिव पावर से जो स्टोरीज निकलती है, या हम इंस्टेंटली कोई स्टोरी बना लेते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिससे हमको कोई वाक्य हो जाता है तो हम उसको स्टोरी के रूप में बताते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि एक तो आपको थोड़ा सा पता हो उसके अंदर क्या है। एक महेंद्र नाम का लड़का होता है, ठीक है, महेंद्र नाम का। तो उसका एक वो एक सुपरवाइजर होता है, मतलब उसका एक काम होता है कि कहीं बिल्डिंग में या कहीं पर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या कोई सी भी जगह होती है तो उसको क्या है, हमेशा एक टास्क असाइन किया जाता है कि जो भी लोग हैं वहाँ जो काम कर रहे हैं उनको तुम काम देखो, उनको तुम सुपरवाइज करो, ठीक है। तो उसका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, तो उसका एक उसके पास ऐसा कुछ होता नहीं, बहुत सिंपल लाइफ वो जीता है, ठीक है। कोई फालतू का उसको शौक भी नहीं होता है। तो एकदम उसके पास बताते हैं कि संपत्ति के रूप में, मतलब कि एक असेट के रूप में, कि बहुत ज़रूरी चीज़ उसके पास एक है, वो है उसका नौकर ईश्वरन, जो क्या करता है उसके लिए खाना बनाता है, उसके लिए कपड़े धोता है, ठीक है। वो जहाँ पर भी जाता है तो ईश्वरन को वो साथ में लेके जाता है, तो ईश्वरन उसके लिए एक संपत्ति था, मतलब बिना ईश्वरन के उससे कुछ भी नहीं होता था, ठीक है। अब ईश्वरन जो था वो क्या करता था, स्टोरी सुनाता था उसको, कभी तमिल जो थी अपनी तमिल के जो होते हैं ना ये नॉवेल्स वगैरह, उससे कभी कोई स्टोरी उसने पढ़ ली और पढ़ते पढ़ते उसने अपनी खुद की स्टोरी बना लेता था। मतलब उसकी एक आदत ऐसी थी कि कोई छोटा सा वाक्य हो जाएगा ना, अगर नॉर्मल सा कोई भी, तो वो उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताता था, पूरा इतना इंटरेस्ट के साथ, हाव भाव के साथ, ऐसे कंधे उछलाते हुए पूरे ऐसे हाव भाव से बताता था कि सामने वाले को ना चाहते हुए उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाता था। वो उसको इंटरप्ट नहीं करता था कि नहीं नहीं वो तो फेंक रहा है या गलत बोल रहा है। जैसे इसके अंदर एक छोटा सा वाक्य होता है कि वो कहीं पर देखता है कि एक पेड़ कट के कहीं गिरा हुआ है, मतलब या पेड़ ऐसे उखड़ के बारिश वारिश से कहीं गिर गया होगा, तो वो नॉर्मली बताता है कि यार मैं रास्ते पे जा रहा था तो मैंने देखा एक पेड़ गिरा हुआ था। वो ऐसे बताता था कि बिल्कुल सुनसान रात थी, मैं सड़क पर अकेला था, मैंने देखा कि सड़क पर कोई बहुत बड़ा राक्षस को दैत्य जैसे साइज का कोई वहाँ पड़ा हुआ है रास्ते पे, तो मैं एकदम से डर गया और मैंने सोचा कि मैं वापस चला था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार जाके मैं देख लूँ, तो मैं डरते डरते वहाँ गया और मैंने देखा कि वहाँ पर तो एक बहुत बड़ा जो पेड़ था उसकी शाखाएं बहुत फैली हुई थी और वो ऐसे पड़ा हुआ था। तो सामने वाले को वो स्टोरी को इस तरह से बताता था, तो वो अच्छा, वो महेंद्र को बहुत मज़ा आता था उसकी स्टोरी सुनने के अंदर, कि वो खाना खाते खाते या खाना खाने के बाद बड़े इंटरेस्ट के साथ ईश्वर की क्या करता था, वो सारी सारी स्टोरी सुनता था। फिर आगे नेक्स्ट क्या होता है वो भी हम इस स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका क्लाइमेक्स भी थोड़ा उसका अच्छा है स्टोरी का, और उनको अच्छा लगेगा स्टोरी का, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ठीक है। द स्टोरी वॉज रिलेटेड टू गणेश बाय यंग मैन महेंद्र बाय नेम। अच्छा, महेंद्र नाम का एक यंग मैन है, नौजवान लड़का है, नौजवान आदमी है, तो गणेश को एक स्टोरी बताता है। क्या, ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेज, डैम एंड सो ऑन। तो बताया कि वो एक जूनियर सुपरवाइजर था, ठीक है, वो एक कंपनी के अंदर जूनियर सुपरवाइजर था, जिसको क्या काम ऑफर हुआ था कि वो हर तरह की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है, जैसे कोई फैक्ट्री का हुआ, कोई ब्रिज का हुआ, कोई डैम का हुआ, तो वहाँ पर क्या करता था, उसने बोला कि आपको क्या करना है, आपको हर जाकर के इन जगहों पर जाकर के आपको सुपरवाइजर को हायर करना है, कि मतलब कि जैसे नई चीज़ें बन रही हैं, ठीक है, तो उनको सुपरवाइज करने के लिए आपको वहाँ रहना है और वहाँ पर नए सुपरवाइजर आपको हायर करने हैं। महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र की जॉब क्या थी कि जहाँ पर भी वह कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी काम हो रहा था, तो उसका ये काम था कि वहाँ पर वो क्या रखे नज़र। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। अब उसको जैसे भी उसको मतलब ऑर्डर मिलता था हेड ऑफिस से कि तेरे पास यहाँ जाना है, तेरे पास वहाँ जाना है, तो हर जगह से जगह पर वो घूमता रहता था, ठीक है। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर मान लो कोयले की खान हो, कोई यहाँ कोयले की खुदाई हो रही हो, कभी वहाँ से उसको रेलवे ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे कोई ब्रिज है तो वहाँ पर मान लो पटरी बन रही है तो रेलवे ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पर उसको जाना पड़ रहा है। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर, कि कहीं पर एक केमिकल प्लांट बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी उसको जाना पड़ता है। ही वॉज अ बैचलर, वो बैचलर था, बैचलर का मतलब इसकी शादी नहीं होती, ठीक है, जो कुंवारा था वो। His needs were simple and he was able to adjust himself to all
काइंड ऑफ ऑड कंडीशन, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता था, ठीक है, और उसकी जो ज़रूरत थी वो भी बहुत ज़्यादा सीधी थी, मतलब उसको कोई ज़्यादा ऐसा शौक नहीं था किसी चीज़ का, बहुत सिंपल व्यक्ति था वो, और ही वॉज एबल टू एड टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशन, अब उसके साथ कैसी भी सिचुएशन आ जाती थी, कैसी भी परिस्थिति आ जाती थी, वो सबके साथ अपने आप को ढाल लेता था, ठीक है, वो एबल था, अगर उसके साथ कोई अच्छी सिचुएशन है तो भी वो वैसे ही रहता था, उसके साथ बुरी कंडीशन हो जाती थी तब भी वो उस सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता था, ढाल लेता था। वेर वॉज एन इलेक्ट्रिक सर्किट हाउस और ए मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडिल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, या फिर कहीं जैसे पहाड़ों के बीच में कहीं पर भी कोई छोटा मोटा टेंट हो, कोई छोटे मोटे टेंट के अंदर रह रहा है, अस्थायी टेंट बना लेते हैं ना, बीच जाते हैं तो एक टेंट सा बना लेते हैं तंबू सा जिसके अंदर आपको थोड़े दिनों के लिए रहना होता है, तो वो वहाँ पर भी रह लेता है। कई जगह पर ऐसा होता है कि खस्ता हाल जो बिल्कुल खस्ता हाल बेकार से कोई सर्किट हाउस है, कहीं पर सर्किट हाउस होता है ना, जैसे देखो ऊपर लाइट जल रही है ऐसा कुछ, कोई सर्किट हाउस है तो वहाँ पर भी रह लेता है। बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक तो उसके पास संपत्ति थी, वो थी उसका रसोईया, ठीक है, उसका नाम था ईश्वर। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेर एवर ही वॉज पोस्टेड, अब जहाँ पर भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी तो वो क्या करता था कि वो महेंद्र से इस कदर जुड़ा हुआ था कि वो बिना किसी शिकायत के हमेशा उसको फॉलो करता था, महेंद्र उसको जो भी कहता था वो सारा काम करता था, महेंद्र जहाँ पर भी जाता था उसको लेकर के जाता था। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, वो क्या करता था महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, और रात में क्या करता था अपने मालिक के साथ वो बातें करता था। ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज, और वो मतलब ऐसी स्टोरी सुनाता था जिसका कोई अंत ही नहीं है, मतलब बुनी बुनाई स्टोरी, अपने मन से स्टोरीज सुनाता था। एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, ठीक है, और मतलब कि कई तरह के विषयों पर, कई तरह के सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट पर वो अलग अलग घटनाओं का क्या देता था, विवरण देता था, छोटी छोटी घटनाएं होती ना कि जैसे कोई छोटी घटना हो गई, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि वो नॉर्मल नहीं बताता था, छोटी घटना को भी बड़ी सी स्टोरी के रूप में वो सामने वाले को क्या करता था, एक्सप्लेन करता था। ईश्वर ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर, अब ईश्वर के पास एक अमेजिंग एक मतलब उसके पास एक ऐसी ताकत थी, मतलब एक कैपेसिटी, मतलब उसकी इतनी क्षमता थी कि वो कहीं से भी जाकर के सब्जियाँ ले आता था, चाहे कैसी जगह पर वो जा करके दूर दूर तक कहीं भी नहीं, लेकिन उसके पास एक ऐसी कैपेसिटी थी, उसकी ऐसी क्षमता थी कि वो कहीं पर भी जा करके सब्जियाँ ले आता था, ठीक है, मेरे लिए खाना बनाता था, और मतलब कि अगर ऐसा होना बिल्कुल उजड़ा हुआ क्षेत्र हो, बिल्कुल जहाँ दूर दूर तक कोई दुकानें भी नहीं है, ठीक है, मीलों दूर तक कोई दुकानें नहीं है, तब भी वो क्या करता था, कहीं ना कहीं से वो ऐसा इंतजाम लगा करके और कहीं ना कहीं से सब्जी ले आता था और मेरे लिए क्या बनाता था, वो खाना बना लेता था। एक वो मिरेक्युलसली कंजर अप द मोस्ट डिलीशियस डिशेज मेड विद फ्रेश वेजिटेबल विद इन एन आवर ऑफ अराइविंग एट द जिंक शीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस, कि मेरा जो न्यू वर्क प्लेस था जो जिंक की शीट का बना हुआ था, तो वो क्या करता था एक घंटे के अंदर अंदर सारी सारी फ्रेश वेजिटेबल से क्या कर लेता था, वो खाना बना लेता था, ठीक है, मतलब उसके पास ऐसा जादू था कि वो इतना स्वादिष्ट खाना बना लेता था, ठीक है, एक घंटे के अंदर अंदर। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, अब महेंद्र क्या होता है सुबह जल्दी उठता है और ब्रेकफास्ट करके वो अपने जो यहाँ पर भी रहता है जहाँ पर उसका वर्क प्लेस होता है, ठीक है, वहाँ से वो क्या करता है निकल जाता है, कब, ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, जैसे हम लोग नाश्ता करने के बाद उसका टिफिन ले जाते हैं ना, तो ऐसे वो कुछ खाना अपने साथ ले जाता था जिस भी साइट पर वो काम करने जाता था। मीनवाइल ईश्वरन वुड टैडी अप द शेड, अब क्या करता था ईश्वरन उसके जाने के बाद घर की साफ सफाई करता था, वॉश द क्लोथ, कपड़े धोता था, एंड हैव ए लीजरी बाथ, और आराम से नहाता था वो, ठीक है, पोरिंग सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर ओवर हिज हेड, कैसे नहाता था आराम से, बहुत सारी बाल्टियाँ अपने अपने ऊपर डालता था, ठीक है, आराम से नहाता रहता था वो, मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाइल, और जैसे वो नहाता रहता था बहुत सारा पानी डालते और उस समय क्या करता था वो प्रेयर जो थी उसको प्रेयर को वो खुद बुझाता रहता था, जैसे हम लोग कोई नहाते समय जहाँ पर सुना होगा पंडित जी या कोई जैसे नहाते तो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, इस तरह से वो कोई प्रार्थना को ऐसे खुद बुझाता रहता था, ओम नमः शिवाय ऐसे करके, ठीक है। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन आफ्टर ईटिंग, अच्छा अच्छा नहा धोने के बाद लंच टाइम हो जाता था, आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए व्हाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, अच्छा खाना खा लिया मतलब कि भाई नहा लिया, नहाने के बाद वो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद वो क्या करता था एक नोवेल पढ़ता था इससे पहले कि उसको झपकी आ जाए, ठीक है, झपकी लेने से पहले, सोने से पहले, तब बुक वॉज यूजली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ 100s of pages, कई सौ पेज की एक क्या थी एक बुक थी, ठीक है,
इसकी तमिल थ्रिलर की, मतलब कि तमिल के बारे में ऐसी वही चीज़ें जो होती है ना थ्रिल वाली, ठीक है, वो थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड नरेटिव वेरिएशन फॉर ओल्ड स्टोरी इन थ्रिल। अब उस बुक की जो इमेजिनेटिव, मतलब कि एकदम की इमेजिन में कोई चीज़ होती है कि जो चीज़ वास्तव में रियल में होती है, ठीक है, तो वो जो उसकी डिस्क्रिप्शन थे और जिस हिसाब से वो बुक नरेट करती थी किसी स्टोरी को, ठीक है, उससे क्या होता था कि वो ईश्वरन जो था उस बुक का एक तरह से गुलाम हो गया था, ठीक है, कि मतलब कि वो बुक को पढ़ने की उसकी आदत हो गई थी कि उसको बुक पढ़नी ही पढ़नी है, और जब पढ़ता था तो उस बुक को पढ़ता ही रहता था, वो पढ़ता ही रहता था, जैसे उस किताब को क्या बन चुका, गुलाम बन चुका, गुलामी में आ गया उसकी। हिज ऑन डिस्क्रिप्शन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर दैट ही रीड। अब वो जितने भी तमिल ऑथर की जो किताबें पढ़ता था तो वो खुद के उसके जो डिस्क्रिप्शन थे वो और ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाते थे। वो ये सब चीज़ें इस नॉवल से सीखते हैं, जो कहानियों की किताबें होती हैं इनसे सीखता था वो तमिल की। वैन ही वॉज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट्स ही वुड ट्राई टू वर्क इन सस्पेंस एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट। अच्छा, जब भी कोई छोटी सी भी कोई इंसिडेंट उनके साथ हुआ, कोई भी वाक्य अगर उसके साथ हुआ हो, और जब भी वो किसी को उसको कोई वाक्य सुनाता था तो वो चाहता था कि उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा सस्पेंस डाल दूँ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज डाल दूँ, ठीक है, ताकि मतलब कि मेरी स्टोरी बहुत अच्छी लगे, ठीक है, लोग उसको सुने। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से दैट आई वाज सुटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक गेस्चर। और बिल्कुल अपने हाथों को क्या करता, बिल्कुल एकदम ऐसे ड्रामेटिक, मतलब इशारे से बताता था कि जैसे मैंने ना ऐसे नहीं कहता था कि मैंने रास्ते पे कोई पेड़ गिरा हुआ देखा, ऐसे बिल्कुल मुँह को एकदम ऐसे पीछे बना कर बिल्कुल स्टाइल से बताता था, ठीक है, क्या बताता था, द रोड वॉज डेजर्टेड, ठीक है, जो सड़क थी वो बिल्कुल वीरान थी, एंड आई वॉज ऑल अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन एनॉर्मस बुशिंग दिस लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। और मैंने एकदम से अचानक से देखा कि सड़क पर एक बहुत ही ज़्यादा विशाल शरीर वाला कोई डेथ के आकार का कोई ऐसा हाथ फैला करके पड़ा हुआ है रोड पर। आई वॉज ऑल इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक, ठीक है, मेरा आधा अधूरा मन था और मैंने सोचा कि मैं चला जाऊँ वापस, बट एज आई कैन क्लोजर, लेकिन मैं जैसे जैसे मैंने सोचा चलो चल के देख ले, तो जैसे जैसे मैं उसके पास आया, आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री, मैंने देखा कि अरे यार ये तो एक पेड़ था जो नीचे गिरा हुआ है, विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, कि उसकी जो बड़ी बड़ी शाखाएं थी वैसे फैली हुई थी, ठीक है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली। मतलब अनक्रिटिकली मतलब होता है कि जब आपको कोई बात कर रहा होता है आपसे, आपको स्टोरी सुना रहा होता है, वाक्य बता रहा होता है, तो आप उसको सुनने बड़े इंटरेस्टेड होते हो, आप उसको बीच में रोकते टोकते नहीं, और आप उसकी आलोचना नहीं करते, घर तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, तुम्हें गलत बोल रहे हैं, तो वो क्या करता था, बिल्कुल इसकी जो चेयर थी, ठीक है, मेरे पास जो चेयर होती है उसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच करके और फिर उसको उसकी स्टोरीज को वो सुनता था। द प्लेस I come from is famous for timber. मैं जिस जगह से आता हूँ वो लकड़ी के बिजनेस के लिए मतलब कि फेमस है वो बहुत, ठीक है। ईश्वरन गुड बिगिन, ईश्वरन चालू करता है, देर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ एकदम पेड़ों से मतलब भरा हुआ एक क्या था, वन था, जंगल था। द लॉग्स आर होल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। एलिफेंट्स के ऊपर क्या होते हैं छोटे छोटे, मतलब एलिफेंट्स के सारे के अंदर लॉरीज होती है ना, लॉरिया होती है, जो लारियाँ होती है उनके ऊपर क्या करते हैं, वो बहुत सारी लकड़ियों को खींच रहे थे, भाई जंगल था पेड़ों का, तो उसमें जो लकड़ियाँ थे उसका गट्टर बना करके वो हाथों से खिंचवा रहे थे। दे आर यूज वेल फेड बीस्ट, वो कैसे थे, बहुत ही बड़े जानवर थे वो, ठीक है, बहुत ही भयंकर जानवर होता, मैंने देखा हाथियों को, ठीक है, जिनको मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा खाने वाले, क्योंकि शरीर बहुत बड़ा होता है। When they turn wild, even the most experienced maver is not able to control them. लेकिन जब वो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड हो जाते हैं, जंगली हो जाते हैं, बेकाबू हो जाते हैं, तो मावर कौन होता है जो हाथियों को कंट्रोल करता है। देखा होगा हाथी के साथ एक मावर चलता है, ऊपर बैठता है कभी ऐसे, तो हाथी का ख्याल रखता है, तो बोले मावर भी उसको कंट्रोल नहीं रख पाता था। आफ्टर दिस प्रोलॉग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट। अच्छा, जैसे उसने बात बोली एकदम से उसने उसने क्या कर दिया, एक
शुरू का हिस्सा बता दिया, शुरू का हिस्सा तो उसने बता दिया भाई। प्रोलॉग मतलब होता है कि किसी कहानी को स्टार्ट करते हुए शुरू का हिस्सा, शुरू का हिस्सा बता रहा है ना, ये जंगल था, जंगल से लकड़ी हाथी से खिंचवाई जाती थी और हाथी बेकाब हो जाता था, वहाँ वहाँ से कंट्रोल नहीं होता था, ऐसे ऐसे उसने शुरू कर दिया, ठीक है, उसका जो है इनिशियल पार्ट बताया। तो उसने छोटी घटना को एकदम से क्या करा, स्टोरी में कन्वर्ट करने लगे। हो कैसे, वंडर टस्कर इज एक्सकेवेटेड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट। एक दिन जो टस्कर था, हाथी जो था, टस्कर मतलब क्या होता है दांत, जो दांतों वाला बड़े बड़े दांतों वाला हाथी था, वो बता रहा है कि वो एक बार है ना जंगल से निकल गया एंड बिगेन टू रोम अबाउट, मतलब टिम्बर यार्ड मतलब क्या होता है जहाँ लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है, ठीक है, जैसे टिम्बर में जो होता है लकड़ियाँ और जो यार्ड होते जैसे काट के लकड़ियाँ इकट्ठी करती, तो वहाँ से वो क्या करते वहाँ से भाग निकला और इधर उधर घूमने लग गया, स्टाम्पिंग ऑन बुशेज, जितनी झाड़ियाँ थी उन सबको क्या करते बिल्कुल अपने पैरों से रौंदता हुआ, टियरिंग ऑफ वाइल्ड पीपल्स, ठीक है, जो ये जंगली नहीं होते जंगली झाड़ियाँ उग जाती है, ठीक है, जो उसको उगाती है ऑटोमेटिकली उग जाती है, उनको बिल्कुल बिल्कुल तहस नहस करता हुआ, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज बिल्कुल, और मतलब कि जो पेड़ों की जो ब्रांचेज होती है ना शाखाएं, उनको सबको तोड़ता हुआ निकल रहा था। यू नो सर हाउ एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड, अब पता है कि एक हाथी कैसे व्यवहार करता है जब वो पागल हो जाता है। ईश्वर कुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही कुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जंप आउट स्टैम्पिंग हिज फिट इन इमेजिनेशन ऑफ द मैड एलिफेंट। अब उसने बताया ईश्वर जो था वो खुद को अपनी स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, खुद बहुत ज़्यादा इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसने बोला कि वो फ्लोर से नीचे आ गया, ठीक है, और मतलब उसने देखा कि जो हाथ उसने देखा कि वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, अब वो फ्लोर से देख रहा था, ठीक है, उसने देखा कि हाथी जो था वो नीचे कूद रहा है, कभी कभी अपने पैरों को मतलब इधर उधर क्या कर रहा है, मार रहा है जमीन के ऊपर। द एलिफेंट रीच द आउट स्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, अब हमारे टाउन के बाहर आ गया, ठीक है, ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैजिस्ट्रेट, अब जितनी भी फेंसेज होती थी हम फेंसिंग करवाते हैं तार बंदी है उसी तरह से, तो मतलब आस पास में तार बंदी थी वो सबको माचिस की तिल्ली की तरह तोड़ रहा था, ठीक है, अभी वो कंटिन्यू करके बोला इट कैम इन टू द मेन रोड एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट्स, अब बेचारे आस पास जो भी फल फ्रूट बेचने वाले जो होते हैं उसने बोला कि यार वो क्या कर रहा था, वो आया रोड पर मेन रोड के ऊपर और उसने सारे के सारे जो सेलिंग फ्रूट्स की जो स्टॉल होते जो ठेले होते हैं सबको तहस नहस कर दिया, मड पॉट्स एंड क्लोथ्स, मड पॉट्स मतलब मटके तोड़ दिए और कपड़े खराब कर दिए सब, पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, हेल्टर स्केल्टर में जो होता है हड़बड़ाहट में, लोग बिल्कुल घबराहट में हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने लग गए। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, अब एलिफेंट कहाँ आ गया, स्कूल ग्राउंड के अंदर, ठीक है, जहाँ पर सब बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, कैसे आया, ईंटों वाली दीवार पर को तोड़ करके। ऑल द बॉयज रन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट, सबके सब बच्चे क्लासरूम के अंदर आ गए और जो दरवाजे थे उनको टाइट किया, उन्होंने बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रंटेड एंड वॉन्डर्ड अबाउट, जो बीस्ट जो था वो क्या कर रहा है बिल्कुल और उसको गुस्सा आ गया, ठीक है, तो गुस्से में था वो, गुस्सा करने लग गया और इधर उधर वो घूमने लग गया, पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, टेयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, उसने क्या करा फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसको उठा दिया, ठीक है, उठा के फेंक दिया उसको, और जो वॉलीबॉल का जो नेट होता है हम जो वॉलीबॉल खेलते हैं उस नेट को उसने फाड़ दिया, मतलब उस नेट को उसने क्या कर दिया बिल्कुल तहस नहस कर उसको भी तोड़ दिया, ठीक है। किकिंग एंड फ्लैटिंग द ड्रम कैप फॉर वाटर एंड अपरूटिंग द शर्ट, उसने क्या करा, ठीक है, उसने क्या करा कि जो ड्रम रखा था पानी के लिए उसको भी उसने क्या करा किक मार दिया और उसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, बिल्कुल एकदम चपटा कर दिया उसको, ठीक है। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. अब क्या हुआ, जितने भी टीचर्स थे वो सब के सब कहाँ चल गए, स्कूल की बिल्डिंग के ऊपर, स्कूल बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर यानी छत के ऊपर। There was not a soul below on the ground. अब वहाँ पर एक कोई था ही नहीं ग्राउंड के ऊपर, सब के सब स्कूल के अंदर थे, सब कुछ छत पे था, कोई कमरे में था। The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. अब गलियाँ इस तरह से गायब थी जैसे कि उस शहर में रहने वाले सारे के सारे लोग क्या हो गए, वहाँ से गायब हो गए हो, वो गलियाँ इस तरह से खाली हो गई थी सारी की सारी, जैसे कि उस जगह पर रहने वाले जितने भी लोग थे, ठीक है, टाउन के अंदर सब गायब हो गए, ठीक है। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट द टाइम, अब मैं उस समय कोई छोटी क्लास के अंदर मैं पढ़ रहा था, एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफटॉप, अब मैं अपने छत पे सारा का सारा ड्रामा देख रहा था, सारा का सारा नाटक देख रहा था। आई डोंट नो वॉट कैम ओवर मी सडनली,
और मुझे नहीं पता है कि एकदम से मेरे दिमाग में क्या आया। आई ग्रैब्ड अ कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। मैंने क्या करा, अपने टीचर में से टीचर के हाथ से डंडी ले लिए, ठीक है, डंडा सा ले लिया मैंने, और मैं फटाफट से कहाँ आ गया, सीढ़ियों से नीचे उतर के और ओपन में आ गया, मतलब कि हाथी के एकदम सामने आ गया ओपन ग्राउंड के अंदर। द एलिफेंट रनटेड एंड मेनेसिंगली स्वंग अ ब्रांच ऑफ अ ट्री व्हिच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक। अब जैसे मैं नीचे आया तो एकदम से जो हाथी था उसने क्या करा, वो एकदम से घूमा, ठीक है, गुस्से में एकदम से चिल्लाया था, मतलब जो उसे कहते हैं चिंगाड़ना, तो चिंगाड़ा एकदम से और एकदम से डरावने तरीके से मेरे को तेजी तेजी से घूमा, ठीक है, मतलब कि वो इस तरह से घूमा कि मैं डर गया था। कैसे, उसकी ट्रंक में क्या थी, एक सूंड, मतलब उसकी सूंड में क्या थी, एक कि सूंड में थी एक छोटी सी ब्रांच किसी पेड़ की, कोई शाखा वाखा, ठीक है। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैरों को जमीन पे पटका, किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डर्ट, ठीक है, मतलब कि बहुत सारा उसने क्या करा, उसके जब उसने देखा तो बहुत सारी जो मड था, जो कीचड़ था और बहुत सारी धूल थी उससे उड़ गई वो। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वो मतलब वो भी डरा हुआ, मतलब डरावना सा लग रहा था। बट आई मूव स्लोली टुवर्ड्स इट, लेकिन मैं उसके तरफ धीरे धीरे गया आगे। स्टिक इन हैंड, कैसे, मेरे हाथों में वो डंडी थी उसको लेकर के मैं हाथी की तरफ गया। पीपल वर वॉचिंग अस सीन हिप्नोटाइज्ड फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स, आस पास में जो इस घर थे, घरों की छत से लोग भाग के उसे हिप्नोटाइज, मतलब कि जैसे कोई आपको हिप्नोटाइज कर देता है ना, ठीक है, सम्मोहित कर देता है, जैसे आप उसकी तरफ किसी से देखते रहते हो कि वो आपसे जो कहता है आप करते हो, एकदम सम्मोहन सम्मोहन वाली चीज़ हो जाती है। मतलब एक तो लोग एकदम से मेरे को एक तक नजर से मेरे को देख रहे थे, ना इधर देख रहे ना उधर देख रहे थे, मुझे देख रहे थे, ठीक है। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आईड रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, अब जो एलिफेंट था उसने मुझे लाल आंखों से देखा, बिल्कुल उसकी आंखें लाल चढ़ गई थी, लाल आंखों से उसने गुस्से में देखा। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ भागने के लिए वो एकदम तैयार था। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पटेड लाउडली, उसने अपनी सूंड को उठाया और जोर से वो चिल्लाया, ठीक है, चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड, उस समय मैं आगे बढ़ा एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स वैग इट्स थर्ड टोनेल ऑन द वे, और मैंने अपने पूरे जोर से उसके पंजे की जो तीसरी उंगली होती है उसके ऊपर मैंने मारा, किसको, डंडे को। द बेस्ट लुक स्टंड फॉर ए मोमेंट, अब वो जो हाथी था वो एकदम से कुछ क्षण के लिए एकदम से स्टंड हो गया, मतलब एकदम स्टंड, मतलब कि हक्का बक्का रह गया वो। Then it shivered from head to foot and collapsed. फिर एकदम से वो अपने सर से लेकर पाँव तक एकदम घबरा गया वो और एकाएक वो नीचे गिर गया। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished. इस पॉइंट पर ईश्वरन ने क्या करा, स्टोरी को अनफिनिश छोड़ दिया बिना कंप्लीट किए। एंड गेट अप मम्बलिंग, और एकदम से उसने बोला, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, मैं वापस आता हूँ गैस जला करके और खाना गर्म कर करके। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, अब वो महेंद्र जो था जिसको उसकी स्टोरी को बिल्कुल एकदम एकाग्रता से सुन रहा था, वो एकदम से आधा ही लटका हुआ रह गया भाई, जब पूरी स्टोरी को सुना गया, स्टोरी से आधी सुने तो बिल्कुल विचार ऐसी रह गया कि अब क्या होगा अब क्या होगा। वैन ही रिटर्न, जब वो वापस लौटा, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, जैसे वापस लौटा था ईश्वरन ने स्टोरी वापस चालू नहीं करी जहाँ वो रोक के गया था। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड हिम दैट द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, तो महेंद्र ने उसको रियलाइज करवाया, महेंद्र ने उसको मतलब कि उसको रिमाइंड करवाया कि भाई तेरी स्टोरी अभी बाकी आ गई, ठीक है। तो महेंद्र ईश्वरन तो जानबूझ के ये चीज़ करता था ताकि महेंद्र उसको आगे से बोले कि भाई मैंने स्टोरी सुना दी, तेरी स्टोरी तो अभी भी पेंडिंग है। पहले वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल, क्या चलो कुछ नहीं हुआ, उसके बाद तो जो जानवर का डॉक्टर था वो आया उस एनिमल को थोड़ा सा ठीक करने के लिए, उन्हें डॉक्टर को बुलाया। ईश्वर ने मुझसे क्या किया, मतलब से कंधे उसने कुछ कर दिया ना, अरे कुछ नहीं, उसके बाद तो फिर एक डॉक्टर को बुलाया जानवरों के और उसने फिर उसका इलाज किया। दैट मतलब टू डेज लेटर इट वॉज डेड अवे बाय इट्स मावर टू द जंगल, और दो दिन के बाद उसके मावर को उसको दे दिया गया जंगल में ले जाने के लिए, इसको हाथी को। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू ईश्वर, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बेस्ट, यार तुमने यार ईश्वर ये सब चीज़ कैसे कर ली, तुमने कैसे उस हाथी को इतने बड़े जीव को तुमने जमीन पर गिरा दिया। इट हैज समथिंग टू डू विद जैपनीज आर्ट आई थिंक सर, मतलब कि कुछ नहीं भाई, जापान की कला होती है उस वजह से ये सब सीखा, उस वजह से सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई, कराटे और जो जित्सु इट इज कॉल्ड, और उसको बोलते हैं कराटे या जो जित्सु, उससे ये चीज पॉसिबल हो पाई। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में पढ़ा था कि टेम्परेली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम यू सी, जैसे कि आपको मैंने बताया कि टेम्परेरी क्या करता है ये,
क्षणिक रूप से क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को पैरालाइज कर देता थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो मैंने जैपनीज आर्ट के लिए मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा था मैंने ये नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वर रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर हॉरर एंड सस्पेंस। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था कि ईश्वर किसी भी स्टोरी को बिना एडवेंचर के, बिना डरावने तरीके से, बिना सस्पेंस तरीके से कोई स्टोरी नहीं सुना था। सब में एडवेंचर हॉरर और सस्पेंस तो रहता ही था, वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। चाहे वो स्टोरी जो है वो मतलब ना सिरो ना पैर हो, चाहे वो स्टोरी कोई मानने लायक हो या नहीं हो। ठीक है, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनइमेजिनेबल वे इन व्हिच इट वाज टोल्ड। क्योंकि चाहे स्टोरी का कोई सर पैर भी नहीं हो, बिना बात की कोई स्टोरी हो, लेकिन महेंद्र उसको पूरे इंटरेस्ट से सुनता था, क्योंकि ईश्वर जो था बहुत अनोखे तरीके से उस चीज को बताता था वो। ठीक है, ईश्वर सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी महेंद्र लिविंग क्वार्टर। अब ईश्वर जब उस घर के अंदर रहता था तो महेंद्र को भी किसी टीवी की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वही दिन भर उसका माता खाता रहता था। ठीक है, स्टोरी सुना सुना करके। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वाज हैविंग ब्रेकफास्ट ईश्वर आस्क्ड कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर। जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहा था एक सुबह, तो इसने बोला ईश्वर ने कि क्या आज मैं आपके लिए रात में कुछ स्पेशल बनाऊं। ठीक है, डिनर के लिए। आफ्टर ऑल टुडे इज एन ऑस्पिशियस डे, आज का दिन बड़ा शुभ बहुत अच्छा दिन है आज का दिन। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन प्रिपेयर वेरियस डेलीकेसीज टू फीड द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे सर। जैसे श्राद्ध होता है ना, तो उससे से बताया कि जो हमारे जो पूर्वज थे तो उनके लिए मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाऊंगा, ताकि मतलब उनकी आत्मा के लिए। ठीक है, उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना चाहता हूँ। जैसे श्राद्ध में बनाते हैं ना, ठीक है, दाल दादी या किसी के लिए बना देते हैं। That night Mahendra enjoyed the most delicious dinner. उस रात को महेंद्र ने सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट डिनर एंजॉय किया and complimented ईश्वर on his culinary skills. और उसके भोजन पकाने की जो कौशलता है, भोजन पकाने की जो कला है उसकी, उसको उसने क्या करा, कॉम्प्लीमेंट किया कि यार मज़ा आ गया वास्तव में उनके खाना बनाते हुए यार। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. अब वो तो बहुत ही अच्छा, मुझे उसको बहुत अच्छा लगा तारीफ सुन करके, क्या मेरी तारीफ करी मालिक ने कि मैंने आज खाना बहुत अच्छा बनाया। लेकिन उसने क्या करा, जैसे उसने तो खुश हो गया, लेकिन उसने एकदम से अप्राकृतिक रूप से मतलब कि सुपर नेचुरल मतलब कि भूत की भूतों के बारे में बताने लग गया। वो क्या बताने लग गया, यू नो सर दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस ए ब्यूरल ग्राउंड। आपको पता है कि ये जितना भी फैक्ट्री का एरिया है जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं, किसी समय पर कब्रिस्तान था। ही स्टार्टेड, उसने मतलब शुरू किया। महेंद्र वॉज जर्क आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरी ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सैटिस्फाइंग मील। अब महेंद्र ने बेचारे ने अभी खाना एंजॉय किया था, उसको अच्छा लगा, तो एकदम से उसका जो माइंड था वो उस चीज से उठ करके एकदम से उसका मतलब मूड ही चेंज हो गया। उसको सुन करके जो खुश था वो, तो जो प्लीजेंट मूड में बैठा था एकदम से उसका मूड चेंज हो गया। ठीक है, I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. मैंने देखा कि पहले ही दिन मैंने देखा कि रास्ते में जब मैं चल रहा था तो रास्ते के अंदर मैंने देखा कि एक हड्डियों का मतलब ऐसे कहते हैं ना मतलब खोपड़ी, जो अपने खोपड़ी होती है ना स्कल, तो मैंने देखा बोले स्कल पड़ी हुई थी रास्ते के अंदर। ठीक है, खोपड़ी पड़ी हुई थी किसी मनुष्य। इवन नाउ आई कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ स्कल्स एंड बोन्स ईश्वरन कंटिन्यूड। ईश्वरन ने क्या बोला कि मतलब कि ऐसा भी है कि मैं ना मैंने देखा कई जगह मैंने देखा कि बहुत सारी हड्डियाँ और बहुत सारी खोपड़ियाँ मेरे रास्ते के, मैं जब भी मैं रास्ते में चलता हूँ तो वहाँ जा करके बहुत सारी खोपड़ी और बहुत सारी क्या पड़े हैं हड्डियाँ पड़ी हुई। ठीक है, अब ये सुन करके महेंद्र की क्या हालत होती है। ठीक है, ईश्वरन की ये स्टोरी सही होती सच्ची होती है कि वापस वही मनगढ़ंत अपने हिसाब से सस्पेंस वाली स्टोरी बता रहा है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए आप भी इस चैप्टर को एक बार पढ़ के इसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जो है लाइन जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थैंक यू।